तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ में होगा। मुख्य समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। योग दिवस की तैयारियों को लेकर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश सिंह ने आयुष मंत्री श्रीपद नायक से बातचीत की। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक साहब, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो अब मेन कार्यक्रम है वो लखनऊ में तय हुआ है। रमाबाई आम्बेडकर पार्क में सभा स्थल में एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में इसकी जो कैपेसिटी है जो 51,000 लोग जो है ये पार्टिसिपेट होंगे और इसके अलावा भी जो पार्क आजूबाजू में लखनऊ के इस रमाबाई पार्क के साइड में आजूबाजू में है उसी पार्क में भी उसका आयोजन हो जाएगा। यानी एक बड़े अच्छे तरीके से यह कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में हाजिर रहेंगे, कई योगा गुरुज ये भी वहां सम्मिलित होंगे और इस तरह से लखनऊ का कार्यक्रम हो जाएगा। कई देश, कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं? सबसे पहले हमने जायजा लिया है कि जो लास्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में 199 कंट्री ने सहभागिता ली, इस बार मिलकर जो बचे हुए देश है और 8-10 देश उसमें जुड़ेंगे और सभी देशों में योगा होगा ऐसा हमारा अनुमान है और बड़े पैमाने पर होगा ऐसा मुझे लगता है। किसी सेलिब्रिटी को भी आपने विशेष रूप से बुलाया? माननीय प्रधानमंत्री जो लखनऊ में होंगे, कई एक दो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हमारे वहां होंगे और सभी राज्यों में हमने तय किया कि सभी राज्यों में एक एक हमारे केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में हाजिर रहेगा, ऐसी तैयारी की है। ये थे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो कार्यक्रम है वो खास रहने वाला है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।